students, I am Vaishali Nashini from Brainly Progressive class. Now today's topic is, our new topic is active to passive voice. Active to passive voice, कैसे active का passive voice करना है? आज ही हमारा introductory part है, active to passive voice का introduction मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसके rules आपको आज मैं identification करा रही हूँ, rules का पूरा, rules के बारे में पूरा information दे रही हूँ. तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो करना है, तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी जो वर्ब शोज द सब्जेक्ट डज समथिंग. वर्ब सब्जेक्ट जो करता है उसके बारे में वर्ब इंफॉर्मेशन देता है, और पैसिव वॉइस में इन पैसिव वॉइस शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट वॉइस शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए जो किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव होता है और वो शोज करता है. तो इसके रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव वॉइस अगर हमें करना है तो उसे कैसे चेंज करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तो ये पूरा मैं आपको टोटल डिटेल नॉलेज आपको इसमें इस वीडियो में बता रही हूँ कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव का पैसिव कैसे करना है, इसके पूरे रूल्स आप लोगों को ध्यान में आ जाएंगे और ये रूल्स के हिसाब से आप लोग बहुत इजीली एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर सकोगे. तो एट फर्स्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द मेन वर्ब. आप लोगों को पहले सेंटेंस, अगर सेंटेंस में आप लोगों को पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और जो मेन वर्ब है उसका टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है, और बाद में रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट से होने वाली है, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है. एंड ए पैसिव वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं. पैसिव वॉइस में इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट यही इंपॉर्टेंट है जिससे सेंटेंस, हर पैसिव वॉइस स्टार्ट होना है वो ऑब्जेक्ट से ही होगा. एंड देन उसके बाद में आप लोगों को इसमें बताया कि टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है, तो जो टेंस होगा उस टेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उस हिसाब से. एंड देन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब जो सेंटेंस में रहेगा उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है. यानी आप लोगों को इसमें पूरा नॉलेज चाहिए, टेंस की डिटेल नॉलेज चाहिए, वर्ब के पूरी वर्ब का लिस्ट आपको थर्ड फॉर्म पूरा मालूम चाहिए. यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपको टेंस का टॉपिक पहले समझाया. यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड एंड देन पुट बाय आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय ये प्रीपोजिशन यूज करना है, और उस प्रीपोजिशन के बाद आपको जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट आपको लिखना है, और अगर सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउंस हो गए तो प्रोनाउंस का केस बनता है जिसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है. आई है तो बाय मी, ही बाय हिम, शी बाय हर, यू बाय यू, दे बाय देम, वी बाय अस, इट बाय इट. और अगर कोई नेम है या कोई सब्जेक्ट की जगह कोई नेमिंग वर्ड है तो वो नेमिंग वर्ड वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं बाय मदर. तो ये पूरा टॉपिक आप लोग इसे नोट कर लेना. ये हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन पार्ट था. थैंक यू स्टूडेंट्स.